इसे कोर्ट में उलझने से बेहतर यही होगा गोविंद कि मामले को बाहर ही रफा दफा कर देते हैं। तुम तो जानते ही हो कि इंद्रजीत चड्ढा कभी शिकस्त नहीं खाता। चड्ढा, तूने कभी बच्चों को बिजली की तार से पतंग उतारते देखा है क्या? कुछ तारे ऐसी होती हैं जिसमें से उलझी हुई पतंग बच्चे भी उतार लाते हैं। ये और बात है, दामिनी के केस को छेड़कर जो तार तूने छू लिया है, बिजली का वो झटका लगेगा कि तू झटकना भूल जाएगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। गुप्ता 4 लाख देने को तैयार है। एक छोकरी की इज्जत के लिए ये रकम बहुत है। बहुत तरक्की कर ली चड्डा, कानून की दलाली से इज्जत की नीलामी तक आ गए। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। गोविंद चला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोब। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। इस सब का जवाब कल अदालत में दूंगा। और हां, अगर अदालत में तूने कोई बदतमीजी की तो वही मारूंगा। जज ऑर्डर ऑर्डर करता रहेगा और तू पिटता रहेगा। रिलैक्स बॉय।